Hey everyone, welcome back to Kidvision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the solutions of chapter 12, adverb. So let's start our video. Chapter 12, adverb. And yeh hai, let's begin exercise. Isme kya hai? Underline the adverb in the sentences given below. The highlighted verb will help you decide. तो इसमें जो है हाईलाइट वर्ब को हाईलाइट किया गया है, रेड कलर से किया गया है. तो एडवर्ब क्या होता है, आपने क्लास में पढ़ा होगा, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. इसीलिए वर्ब जितनी है उनको हाईलाइट किया गया. अब आपके लिए कौन से वर्ब डिस्क्राइब कर रहे हैं इस वर्ब को, उनको फाइंड आउट करना है. तो इसमें जो है एडवर्ब है जेंटली. एडवर्ब क्या है इसमें, जेंटली. और इसमें है क्विकली. और इसमें होगा नीटली. और यहाँ पे होगा डी में स्वीटली एडवर्ब है. एंड ई में है ग्रेसफुली. और एफ में है स्लोली. चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, ये है एक्सरसाइज नंबर वन. तो इसमें जो है ऑप्शंस दिए गए हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर हमको चूज करना है. तो फर्स्ट में है हैवली, इट इज़ स्नोइंग हैवली. बी में है द ओल्ड वुमन वॉक्स स्लोली. एंड सी में होगा वार्मली. और डी में है लाउडली. और ई में है वेल. अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इसमें जो है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है. तो जो भी वर्ड हमको बता रहे हैं जगह के बारे में, बस वही आपके होंगे. तो यहाँ पे हियर, नियर द फायर प्लेस, है ना, नियर द फायर प्लेस. इसमें बी में है फॉरवर्ड. और इसमें होगा इनटू, इन में टेरिटरी. सी में है देयर. और डी में है इन एंड हियर. और ई में होगा नोवेयर. और एफ में है डाउन स्टेट्स, अप स्टेट्स. और जी में होगा इनसाइड. अब जो है थ्री में देखिए, नाउ रीड द पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम. हमको एडवर्ब ऑफ टाइम जो है उनको अंडरलाइन कर लेना है. तो इसमें है अर्ली, टुडे. और होगा 8 o'clock, लेट, 10 o'clock. और है नाउ. और इसमें होगा आफ्टर एन आर, ये भी होगा टाइम एडवर्ब. आफ्टर एन आर. और इसमें जो है आगे है सून, ये कह रहा है. और यहाँ पे है ए लिटिल लॉन्गर और ए लिटिल मोर टाइम. फोर है चूज द एडवर्ब ऑफ टाइम टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस. एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें से चूज करना है. ये तीनों में एडवर्ब ऑफ टाइम अर्ली है. और यहाँ पे इन तीनों में है नेक्स्ट. वी सी में है यस्टरडे. डी में है लेट. ई में बिफोर. एच में अर्ली. जी में लेट या टुमारो. इसमें कर सकते हैं आप. और देखिए ये है अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द सेंटेंसेस बिलो. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उनको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट में है वीकली. बी में ऑफन. सी में एवरी 5 मिनट्स. डी में ट्वाइस ईयर. ई में शेल्डम. एफ में एनुअली. जी में हार्डली. और इसमें है कंप्लीट ईच सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो इसमें जो है ए वाले में है एवरीवेयर होगा. और बी वाले में होगा फार. और सी वाले में है देयर. और डी में है नियर द फेंस. और ई में है आउटसाइड. और देखिए ये लास्ट एक्सरसाइज है. तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद द टाइप ऑफ एडवर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. जो एडवर्ब ऐसे मेंशन किया गया कि इस टाइप का आपको एडवर्ब भरना है, तो उसी तरह का एडवर्ब आपको यहाँ पे लगाना है. तो ए में है यस्टरडे लगेगा, ठीक है, टाइम एडवर्ब है. और यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है तो कामली, द लेजी कैट सेड कामली. और सी में आप कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर लाउडली. डी में है ऑफन, फ्रिक्वेंसी है. और इसमें जो है ई में है मैनर तो क्वाइटली. और यफ में एडवर्ब ऑफ मैनर है तो वेल. और जी में होगा, यहाँ पे जी में है प्लेस के लिए वो बताना है तो हियर है. ये सजेशन वन है तो इससे ज़्यादा आप रिलेटेड दूसरे भी कर सकते हैं. अगर वो सही एडवर्ब ऑफ टाइम और सेंटेंस का मीनिंग सही आ रहा है तो आप इन्हें दूसरे एडवर्ब भी लगा सकते हैं. तो यच में है एट द स्टेशन. और आई में मेरली. जे में सून. और के में है एट द गेट. तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. वीडियो जरा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना
बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।